So friends, here I am Binegor with a new poetry for class 12th, Keeping Quiet by Pablo Neruda. So if you have not subscribed my channel, please do it so that the further notifications can received to you in time. Thank you. Now move on the poem. Keeping Quiet. First about poet. Pablo Neruda was born in Chile. His poems are easy to understand. They are meaningful and beautiful. He won Nobel Prize for Literature. Keeping Quiet. This is the name of the poem. It is a very simple poem. And it is an address to the people worldwide. So now let's move on the poem. Our first paragraph. Now we will count up to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Still shant ho jaye bina hile dule. अब हम 12 तक गिनेंगे और कभी का यहाँ 12 तक गिनने का मतलब है कोई 12 महीने घड़ी में बजने वाला 12 का समय. सो पोइट यहाँ पर सब लोगों को सारे संसार भर के लोगों को इकट्ठे होकर शांत रहने का एक इनविटेशन देता है कि अब हम इस धरती के ऊपर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे. मीन्स हम सब चुप हो जाएंगे और 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड और केवल 1 सेकेंड के लिए हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट वुड बी एन एक्साइटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. और हम सब एक निराले क्षण के साक्षी बनेंगे, अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे जिसमें विदाउट रस कोई भाग दौड़ नहीं होगी. एक्साइटिंग मतलब शानदार, अनयूजुअल, एक बहुत ही एक्साइटिक मूवमेंट होगा और जिसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी बिना इंजन के, और कोई भी इंजन नहीं चलेगा और हम सब लोग एक विचित्र ढंग से, स्ट्रेंजनेस, एक अजीब से ढंग से हम सभी संसार के लोग एकता के रूप में खड़े होंगे और एक होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. और जो मछुआरे हैं, fishermen हैं, वो ठंडे सागरों में वेलों को क्षति न पहुँचाएंगे. यहाँ पर Pablo Neruda whale से तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस के कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो हम अगर उनको बिना क्षति पहुंचाए रहने देंगे तो वे हमारे एनवायरनमेंट में सस्टेन करते रहेंगे. और जो नमक इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो खुद तो घायल होते ही हैं और एनवायरनमेंट को भी घायल करते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं. तो वे लोग भी कुछ देर के लिए खड़े होंगे और अपने घायल हाथों को देखेंगे. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. दोज who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और जो green wars मतलब जो modern wars हैं, युद्ध जो गैस से या आग से लड़े जाएंगे, और वे एक ऐसा युद्ध लड़ेंगे जहाँ पर न तो जीतने वाला और न हारने वाला कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा. सो वे लोग जो सफ़ेद कपड़े पहनकर छाया में बैठते हैं अपने भाइयों के साथ, सम्मिलित हो जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते हैं. मीन्स द मॉडर्न वार विल गिव नो विक्ट्री to any of the victor. It will kill all. The victor
and the victim. So there will be no survivor. So ऐसे लोग जो हैं हमारे लिए खतरनाक हैं, क्योंकि वे केवल साफ सफ़ेद कपड़े पहनकर छाया में खड़े होकर अपने भाइयों को और दूसरे लोगों को उसमें लगाएंगे और वे खुद भी कुछ नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वांट नो ट्रक विद डेथ. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ. और पोइट पाब्लो नेरुडो कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसका अर्थ पूर्ण निष्क्रियता से न समझा जाए, क्योंकि जीवन के कुछ उद्देश्य हैं. जीवन क्या है, एक लाइफ इज फुल ऑफ सम पर्पज, कुछ उद्देश्य हैं, और मृत्यु से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है. और यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते रहेंगे और एक बार कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी भारी खामोशी, जो हमारी सैडनेस है, जो हमारी उदासी है, उसमें बाधा डाल दे. मतलब पोइट ये बताना चाहता है कि अगर हम शांत हो जाएंगे तो हो सकता है कि जिस परेशानी में हम हैं उसको कुछ क्षण के लिए हमें आराम मिल सके, कि हम स्वयं को कभी समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पा रहे हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो. और पोइट पाब्लो नेरुडो कहते हैं कि शायद हम पृथ्वी से, धरती से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि धरती पर जब सब कुछ डेड सा लगता है तो इसके अंदर जो पड़ी हुए, जो लेटेंट हैं, जो छुपी हुई जो हीट है, जो एनर्जी है, वो पेड़ पौधों के रूप में जीवित सिद्ध हो जाती है. इसलिए अब मैं चलूँगा, मैं 12 तक गिनने वाला हूँ और आप सब शांत रहेंगे और इसके बाद मैं चला जाऊँगा. सो द पोइट्स इन्वाइट्स ऑल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज़ टिल ही काउंट्स अप टू 12. ही वांट्स अस टू कीप क्विट एंड डू नथिंग. ऑल्दो इट विल बी ए रेयर मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, फिशरमैन विल नॉट हार्म व्हेल्स एंड द सॉल्ट गैदरर विल स्टैंड स्टिल एंड लुक देमसेल्फ. बट द पोइट मेक्स वन थिंग क्लियर, ही वांट्स अस टू सस्पेंड एक्टिविटीज, नॉट टू स्टॉप फॉर एवर, बिकॉज लाइफ इज मीन्ट फॉर एक्शन एंड प्रोग्रेस. इनएक्टिविटी इज डेथ. ही डज नॉट वांट डेथ. सो ही होप्स अस टू स्टॉप अ मूवमेंट एंड इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ. नाउ द पोएम एंड्स. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद ए चैप्टर इन प्रोज सेक्शन. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.